नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि मीट मांस अंडे मछली की लत कैसे छोड़ी जाए, कैसे नॉनवेज छोड़ा जाए। नॉनवेज ना खाने के ऊपर तो मैं बहुत दफ़ा आपको कहता हूं कि ये पाप है, पर लोग इस चीज़ को समझना चाहते हैं कि इस चीज़ में राय जाते हैं। बहुत लोगों ने लिखा है कि हम जान चुके हैं कि ये पाप है, ये गलत कर्म है, पर हम इस लत को कैसे त्यागें, उसके बावजूद भी हम मीट मांस छोड़ नहीं पा रहे। दोस्तों, आप अगर मीट मांस नहीं छोड़ पा रहे ये जानने के बाद भी कि ये पाप है, तो इसका मतलब आपके कॉन्शियस में अभी तक ये बात फीड ही नहीं हुई है कि ये पाप है। आपकी आत्मा ने सही मायने में अभी इसको पाप माना ही नहीं है। अगर आपकी आत्मा इसको पाप मानती तो उसी पल छोड़ देती। अगर आपकी आत्मा इसको जीव हत्या मानती तो उसी पल छोड़ देती। जब भी आप कोई मांस का टुकड़ा देखते हैं, मीट देखते हैं, मछली देखते हैं, मछली में तो क्लियर आपको दिखाई देगा कि ये लाश है जिसको आप खा रहे हो, जानवर की कटी कटाई मछली है तो भी लाश है, उसकी मांस है खाली, लाश के मांस के लोथड़े हैं। मीट देखते हो, चिकन देखते हो, मटन देखते हो, मछली देखते हो, मेरे को तो नाम लेने से भी इनकी उल्टी आती है, इनको देखते हो तो यही समझो कि लाश के टुकड़े आपको मिल रहे हैं खाने के लिए, तो कितनी ज़्यादा गिरावट है। इस चीज़ को देखो, ये बोलो कि हम क्या लाश के टुकड़े खाएंगे? क्या इतने बुरे दिन आ गए हमारे, वो भी किसी जानवर की लाश के टुकड़े? राम 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 राम, ना बाबा ना, हम तो नहीं, हम कोई राक्षस थोड़ी है, हम कोई दानव थोड़ी है। इस तरीके से अपने आप को मोटिवेट करके चलो, उससे घिन करना सीखो। जब घिन करोगे तभी आप उससे, आप उस लत को छोड़ पाओगे। इंसान जिस चीज़ से घिन करता है, जिससे नफरत करता है, उसके बारे में सोचता भी नहीं है, उसको छूने की भी नहीं सोचता। यही मन में मानसिकता लाओ, उसको लजीज मत देखो। चिकन करी बनी है, मटन करी बनी है, तो ये देखो कि आए हाय लाश के टुकड़े उसमें मसाले में करके डाल रखे हैं, हाय दाल में डाल रखे हैं, हाय ये क्या लाश के टुकड़े बर्तन में डाल रखे हैं, इसमें से तो क्या बदबू आ रही है। इस वे में, एक नेगेटिव वे में उसको लेके चलोगे तभी आप मोटिवेट होगे। और ये तो खैर कहने की बात है, आपको आपके अंदर ये चीज़ एज अ आप समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि इस वे में आप देखो, पर सबसे बड़ी चीज़ आप कब छोड़ोगे? जब आप दिल से, आत्मा से इसको गलत मानोगे, जब आप दिल से मानोगे कि ये पाप है, जब आप आत्मा से मानोगे कि हाँ ये जीव हत्या है, हम मासूम जानवरों की लाशें खा रहे हैं, और उसमें भी पहले उन मासूम जानवरों की हत्या कर रहे हैं, और वो भी बहुत दर्दनाक तरीके से, तो ये गंभीर अपराध है जिसके हम अपराधी हैं। और हर दिन जब हम खा रहे हैं तो हर दिन हम पाप कमा रहे हैं, हर दिन हम अपने ऊपर उस बोझ को ले रहे हैं, और जब हम इस बोझ के साथ मरेंगे तो हमारी आत्मा को इसी हिसाब से अगला जन्म मिलेगा। और अगर खुदा ना खास्ता तुम्हें ही वो जानवर बना दिया गया जिस जानवर को पूरी ज़िंदगी खाते रहे, तो उसके बाद तुम्हारा भी वही हशर होगा जो तुम और जानवरों का कर रहे हो। और ये कोई बहुत हंसी की बात नहीं है, ये भी कोई बहुत ये बात नहीं, हाँ मैंने कहा अगर को मेरा भी होगा, जब होगा तब आप इमेजिन करो आपकी आत्मा किस इंटेंसिटी के पेन के साथ गुजरेगी। आप सोच भी नहीं सकते, वो दर्द जब आरे पे आपको लिटाया जाएगा और जिंदा को काटा जाएगा, जिंदा की खाल उतारी जाएगी, सोचिए उस पेन को जो आपकी आत्मा सहेगी, अनबियरेबल। और उसके बाद भी अगर आपकी जब हत्या होती है दर्दनाक तरीके से, फिर आपको दूसरे जानवर की योनि में, क्योंकि मीट मांस खाने वाला कोई भी इंसान हो सकता है, हर तरीके के मांस ट्राई, हो सकता है आपको कोई और योनि में डाल दिया जाए। इस तरीके से इस चीज़ को समझने का प्रयास करें कि हम अपने आप को अगर बचाना चाहते हैं इस तरीके की बर्बरता से कि हमारे साथ ऐसा ना हो, तो अभी भी वक्त है हम दूसरे के साथ ऐसा ना करें। दूसरा कर रहा है अगर, वो आपके लिए कर रहा है क्योंकि आपको उसकी लाश खानी है, तो वो कट रहा है। अगर आप खाना बंद कर दो तो कटेगा ही नहीं। हिसाब से हर इंसान की अपनी कॉन्शियस होती है, जहाँ आपकी दिल पे, आपकी कॉन्शियस पे, माइंड पे वो चीज़ ट्रिगर करेगी कि हाँ ये गलत हो रहा है, हम जानवर की लाश खा रहे हैं, वहीं आप छोड़ दोगे, उसी पल छोड़ दोगे। सामने बफे सजा हुआ होगा तो भी नहीं खाओगे, चाहे भूखे रहना पड़े। पर अगर आपको ये एहसास नहीं है कि ये लाशें हैं, अगर आप इसको लाश नहीं मान रहे जानवर को, तो फिर उसके बाद कोई उसका इलाज नहीं है, आपको समझाने का कोई फायदा नहीं है। अंडे से भी आप चाहो तो शुरुआत में एक घिन के तौर पर उसे देख सकते हो कि वो किसी के उस भाग से निकल रहा है, निचले भाग से शरीर के निकल रहा है, जिसमें खून, गंद, पस,
मूल मलमूत्र जहाँ से निकलता है वहाँ से वो अंडा निकल रहा है, उसको आप अपने बर्तनों में उबाल रहे हो, उसको फोड़ के उसको खा रहे हो, और वो भी उस बच्चे को जो भी इस दुनिया में आया ही नहीं है। एक तरीके से एबॉर्शन ही हो रहा है उसका, टेक्निकल वे में कहें तो वो सब अपराध जो आप अपने ऊपर लेके मरोगे, वो सब पाप लेके मरोगे। भौतिक दुनिया में, समाज में तो कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि हर इंसान वो चीज़ नहीं सोचता, इसको अपराध के तौर पर नहीं लेता। पर कुदरत में आपको मानव जूनी इसीलिए प्रोवाइड की गई है कि आप, क्योंकि मानव ही ऐसा है जो सही और गलत को समझ सकता है, वो मजबूर नहीं है शिकार करने के लिए। उसको पता है कि वो कहाँ पे संरक्षण कर सकता है, क्या चीज़ें डेवलप कर सकता है। पर हम मानव ही इतने गिर गए हैं कि हम जानवरों की तरह सोचने लगे हैं, जानवरों की योनि के हिसाब से चलने लगे हैं। वो तो मजबूर हैं, उनके शरीर का निर्माण ही ऐसे हुआ है उस योनि के हिसाब से कि जब तक वो दूसरे को मार ना ले वो कुछ खा ही नहीं सकते। उनके चार पैर होते हैं, हाथ नहीं होते, उनके दांत ही ऐसे भगवान ने बनाए हैं, इसीलिए उनके शरीर का निर्माण ही इसी हिसाब से हुआ। पर आप अपने आत्मा को जबरदस्ती उस योनि की तरफ ढकेल रहे हो, उन्हीं की तरह सोच के, उन्हीं की तरह बर्ताव करके, उन्हीं की तरह मांसाहार खा के। तो इस बात को समझ लो, जो खा लिया वो खा लिया, उसका सबसे बड़ा पश्चाताप यही है कि आगे मत खाओ। घर वाले नहीं मानते, उनको मत मानने दो। तुम अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की देखो, तुम एक आत्मा हो, तुम्हारी अपनी आध्यात्मिक यात्रा भी तो है। घर वाले थोड़ी साथ मरेंगे, वो थोड़ी साथ जाएंगे। कर्मों का सजा तो आपको खुद अकेले को झेलनी पड़ेगी, आपके कर्मों की। उसमें कोई घर वाला थोड़ी कह देगा कि हाँ आधी मेरे को दे देना, कोई बेटी थोड़ी कह देगी, कोई बाप थोड़ी कह देगा, कोई दादा थोड़ी कह देगा, कोई अंकल थोड़ी कह देगा, कोई आंटी थोड़ी कह देगी हाँ आधा हमें दे देना। कोई नहीं लेता, कोई किसी का बुखार भी नहीं लेता। जो भी झेलोगे आप अकेले झेलोगे। यहाँ के रिश्ते हैं, यहाँ रिश्तेदारी है, यहाँ एक उस परिवार के हिस्सा हो, पर उनको समझाने का प्रयास करो, तुमने खाना है तुम खाओ, मेरी अपनी जो कॉन्शियस है मैं उस हिसाब से चलूँगा या चलूँगी। जब आप उनको ज़बरदस्ती, क्या अपनी माँ को या बाप को या भाई या बहन को कोई ऐसी चीज़ खिला सकते हो जो उन्हें पसंद ना हो, आपको पसंद हो? नहीं खिला सकते, तो वो क्यों आपको फोर्स करते हैं? उनको ये बात समझाने का प्रयास करो, ताकि आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा खराब ना करें। जो इसको अपराध नहीं मानते, जो इसको गलत नहीं मानते, जो इनको जानवरों की लाशें नहीं मानते, वो आंखों पे पर्दा डाल के खाते रहेंगे। जिस मोमेंट आप इस बात को समझ जाओगे कि लाशें हैं, लाश के टुकड़े हैं जो आप अपने घर में ला रहे हो, घर में इंसान मरता है पूरा घर धुलता है, और यहाँ रोज आप जानवर की लाश के टुकड़े अपने घर में लाके, अपनी रसोई जो सबसे पवित्र मानी जाती है उसमें पका के खा रहे हो, वहीं घर में भगवान की जोत जला रहे हो, वहीं भगवान की पूजा कर रहे हो। इसी वजह से आज इंसानों की मानसिकता बदलती जा रही है, उनमें क्रूरता आती जा रही है, उनके अंदर बदले की भावना पनपती जा रही है, उनके अंदर टॉलरेंस खत्म होती जा रही है। जितना जानवरों की जैसे सोचोगे, जानवरों का मांस खाओगे, जानवरों की योनि के करीब जाने का प्रयास करोगे, आप अपनी आत्मा को इंसानी की जून से दूर करते जा रहे हो। इस बात को जिस दिन समझ जाओगे, अपने आप आपकी लत छूट जाएगी, किसी और मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो भाई यही कह सकता हूँ। इस वीडियो को चाहे बार बार सुन लो, और उसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं, हमारे को नहीं इस चीज़ का चेता आ रहा, हमें नहीं एहसास हो रहा कि हम गलत कर रहे हैं, तो स्लॉटर हाउसेस की वीडियोस देख लो यूट्यूब पे। स्लॉटर हाउस जाने की हिम्मत तो किसी में नहीं होगी, अगर है तो वो और भी अच्छा कर रहे होगा। अपने शहर में जहाँ भी रहते हो वहाँ पता करो कहाँ पे स्लॉटर हाउस है, कहाँ कत्ल खाने हैं, वहाँ का मंजर देख के आ जाओ कि किस तरीके से जानवर को काटा जाता है, हथौड़ों से मारा जाता है, पीटा जाता है, उनकी चीखें निकलती हैं, डंडों से मारा जाता है, गर्म पानी डाला जाता है, खाल पड़ी आती है, और छुरा चलाया जाता है मुंह पकड़ के, बुरी तरीके से पीट पीट के गिरा जाता है। मैंने ऐसी ऐसी वीडियोस देखी हैं कि रूह कांप उठती है। मुझे उन वीडियोस को देख के लगता है शायद ईश्वर है ही नहीं। और आप उन वीडियोस को भी देखिए यूट्यूब पे, स्लॉटर हाउसेस, हर हर जानवर की देखना कि वो किस बर्बरता से मरता है। सोचो तुम्हारी आत्मा को वैसा शरीर मिल गया और वैसे ही मारा गया तो कितना दर्द होगा, इमेजिन करके देखो एक बारी, तब पता चलेगा कि कितना गलत कर रहे हो।
और मैं तो यही राय दूंगा हर मीट मांस खाने वाले को, स्लॉटर हाउस देख कर आए एक्चुअल में जाके, वहाँ की जो खून की बदबू, वहाँ की चीखें, लाशों के टुकड़े, कटे हुए सर जानवरों के, अगर उसके बाद भी आके खा सको ना मीट वही वाला, तो कहने ना, आपको चैलेंज है इस बात का। अगर बिल्कुल ही आत्मा मर चुकी है तो फिर हर चीज़ बराबर है उसके लिए, तो फिर तो स्लॉटर हाउस में भी बैठ के आप उसी कच्चे मांस को ही खा लो, इधर लाश कटी जानवर की, इधर धड़ अलग हुआ, वहीं से खाना शुरू कर दो, फिर तो पूर्णतः जानवर बन चुके हो। और अगर उसके बाद आत्मा कौंधती है, आत्मा सवाल करती है, रूह कांपती है, रोंगटे खड़े होते हैं, रोना आता है, डर लगता है, बुरा लगता है, तो समझना कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर अभी आत्मा बची है। और उसी स्लॉटर हाउस को देखने के बाद, एक्चुअल में देख के आना, और उसी जानवर का, जिस जानवर को पसंद करते हो खाना बहुत ज़्यादा, उसके भी और बाकी भी, और उसके बाद आके उसी जानवर को प्लेट में खा के देखना जो बनवाते हो, अलग अलग डिश खा पाओ तो कह देना, क्योंकि अभी तक आप सिर्फ असलियत से दूर हो, सिर्फ प्लेट में सजावा देख रहे हो, वो तुम्हारी प्लेट तक कैसे आया उस प्रोसेस को नहीं देख रहे, उसको ज़रूर देखना। और अभी इस वीडियो के बाद स्लॉटर हाउस सर्च करो यूट्यूब पे, ढेर वीडियोस मिल जाएंगी, उनको देखो सबको अच्छे से आज बैठ के, जो तुम्हें बहुत पसंद है मांस उसकी भी देखना, तुम आई कैन बेट यू ऑन दिस, तुम्हारा मन नहीं करेगा खाने का। और तुम्हारे जो घर वाले हैं उनको भी दिखा देना, अगर और ऐसी चीख पुकार अगर तुम्हारी आत्मा को करनी पड़े, क्या तुम सह सकते हो तुम्हारे साथ वो टॉर्चर हो जो उन जानवरों के साथ हो रहा है, जो भी टॉर्चर देखना स्लॉटर हाउस में, उसको इमेजिन करना कि वो तुम्हारे साथ भी हो, तब बताना कि क्या वो सही है या गलत। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इन भाई साहब ने कई दफ़ा कहा कि आपने कहा गलत है, पाप है, पर हम छुड़ाएं कैसे? असलियत से दूर रहोगे तो नहीं छोड़ पाओगे, जिस दिन असलियत को पहचान जाओगे उस दिन एक क्षण नहीं लगेगा, एक मोमेंट नहीं होगी, उसी मोमेंट त्याग दोगे। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी या भूत प्रेत ब्यादा या काले जादू से परेशान हैं, ब्लैक मैजिक कोई आप पे करता रहता है, आपके घर पे, दुकान पे करता रहता है, फैक्ट्री पे करता रहता है, आप मेरी धुनी मंगाइए, घर में जलाइए, फैक्ट्री में, दुकान पे जलाइए, हर तरीके की प्रॉब्लम्स दूर होने लगेंगी, काम बनने लगेंगे। आप मेरे द्वारा अभिमंत्रित कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं, इससे सदैव आपकी रक्षा होगी, नज़र से, दोष से, टोक से, हाय से, हर तरीके के तंत्र मंत्र से आपका बचाव होगा, ये कभी ख़राब नहीं होता, ये पूरी ज़िंदगी आपकी रक्षा करेगा। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा, डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त प्रकृत मोहन सिंगला।